वर्तमान आम देखा फाइंड द फैक्टर ऑफ 120 माने 120 रे फैक्टर जोटा कि आम फैक्टर को आम ओडिया गुणनय बोली कहवा 120 रो गुणनय को आम बर्तमान बाहर करवा केमी बाहर करवा प्रथम देख यार प्रोसेस हो कौन ना तुमको तुमने डिविजिबिलिटी रूल जान पढ़ी आगे मुझे तुमको कही 120 इक्वल टू 1 इंटु 120 से भाई भाव में तापर आम लिखिपर 120 ताले एटा को बर्तमान देखा एटा एक द्वारा डिविजिबल होगा तेल 120टा दुई द्वारा डिविजिबल होना ना तेल देख 120टा दुई द्वारा डिविजिबल होगा जानचे एक घर के दरकार तार शून कि दुई कि चार कि छ कि आठ रहा दरकार तेल कौन शून अच्छी तमान डिविजिबल तेल एटा आम के लिखिपर दुई गुणन के लिखिपर तेल बर्तमान देख 120 को जब आम हरण करवा के दुईरे जाचे 200 के बार सामान के शून आसीगला शून आसला कौन कर से भाई भाव में ए शून टाइम आसीगला शून शून के दुई शून शून आसीगला तेल यहाँ क्या षाठी 60 तेल यहाँ के लिखिपर आम तेल यहाँ आम 60 लिखिपर यहाँ बर्तमान काटिद तेल देख बर्तमान 120 बर्तमान दुईरे सरीगला बर्तमान तीन बाहर करवा 120 को तीन ने देख 120 तुम तीन द्वारा डिविजिबल होना ना देख ये तीन है कैसे तीन सौ को बार है बार आसीगला यहाँ माइनस करदेल तो कहते जीरो आसीगला यहाँ जीरो आसला तीन शून शून तेल शून होगा ये बस शून रहा बुझीपार ते सरी यहाँ तीन चौक बार भूल होगा तीन चौक बार आसला चारिक बार तेल के तीन गुणन चार सामान के 40 ताल से भाई भाव में नेक्स्ट हूँ कैसे 120 इक्वल टू के देखो तुम 120टा चार द्वारा डिविजिबल टेबल ना प्रथम देख तीन द्वारा किमी डिविजिबल है मुझे कह भूल जाइए तुमको प्रथम तुम कौन बाहर कर जो 120 जोगफल बाहर कर 1 + 2 + 0 इज इक्वल टू तीन तीन द्वारा डिविजिबल तेल तीन फैक्टर बाहर तीन गुणन 40 आसा तो कह 120 गुणन एक 120 120 बाहर करमी देख प्रथम 4 ताले चार गुणन यहाँ के हम तेल देख ये चार द्वारा डिविजिबल होना ना प्रथम देख ये संख्या अच्छे 120 तार एकक दशक के 20 जदि 20टा चार द्वारा डिविजिबल होना नहीं प्रथम टेस्ट कर टेस्ट करने कौन कर तुम 20 को हरी दि चार चार पंचा के 20 तेने कौन यहाँ हूँ चार द्वारा डिविजिबल तेल यहाँ के फैक्टरटा के गुणन के लिए करने 120 को तुम कौन कर ना चार हरण कर देख यहाँ के चार तीरिक है के बार यहाँ के शून आसीगला यहाँ शून के शून पकाओ ये शून पकई दि शून ओके के चार तीरिक बार तमान केला तीस आसीगला तेल बुझीपार ये तुम होगा के चार द्वारा विभाज आसीगला यहाँ कोई काटि से भाई भाव में नेक्स्ट है देखा 120 तुम पाँच द्वारा डिविजिबल होना ना 120 को पाँच द्वारा डिविजिबल तुम कौन कर तारे एक प्रथम देखी तुम जाणीगल एक घर शून अच्छी मानते तार रूल हूँ कौन ना जदि एक घर शून कि पाँच थी तेल पाँच द्वारा डिविजिबल तेल यहाँ के पाँच द्वारा डिविजिबल है तेल फैक्टरटा के 120 को बर्तमान आम पाँच हरण कर तर पाँच रे गला पाँच रे गले पांच के पाँच पाँच सरी सरी पाँच दुगुणे दस आस पाँच दुगुणे दस आसला के तो बार दस गले के दुई एट शून्यटा तौक आसला तेल जानचे पांच के पांच कौच 20 तेल से शून आसीगला तेल के 24 ओके आम देखा 120टा 6 द्वारा डिविजिबल होना ना तेल देख 120 6 द्वारा डिविजिबल होगा कौन फास्ट देखा दरकार जो संख्याटा दुई कि तीन द्वारा डिविजिबल दरकार ये संख्या दुई द्वारा डिविजिबल होती तीन द्वारा डिजिटल मैंने कौन ये संख्याटा आखि मुझे देख जापर जो तीन द्वारा सरी 6 द्वारा डिविजिबल हम तेल यार फैक्टरटा के बर्तमान देख 120 को बर्तमान हरण कर दिया कौन ना 6 रे देख जान छः के 6 दुगुणे 12 आसीगला यहाँ शून्यटा आसीगला शून शून क्या शून आसीगला तेल यहाँ के 20 तो कैसे यहाँ 20 ओके तो से भाई भाव में यहाँ तुमको लिखेदेव तापर आम नेक्स्ट कौन देखा तापर आम टेस्ट करवा कह रहा देखा 7 रा डिविजिबल होना ना तो देख 120 को आम 7 रे हरण कर ताल 120 को 7 हाँ के जान 7 के 7 आस बार 7 कले 5 तो मैंने 50 सात सत के 49 49 तो मैंने के वन भली गला तेल यहाँ डिविजिबल हेनी यहाँ हेनी सात द्वारा हेनी तापर देखा 8 द्वारा डिविजिबल होना ना तेल 120 को बर्तमान 8 रे हरवा 8 कले 8 के 8 बार 8 गले 4 एक बर्तमान तुम शून्यटा आसला तेल देख के 8 पंचा आम जाचे 8 पंचा हूँ के 40 40 आसला शून आसला तेल 120टा के
120 ଆସିଗଲା ତୁମର, 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା, 8 ଗୁଣନ 15, ଦୁଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ, 8 ଗୁଣନ 15, ସେଭଳି ଭାବରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ 9 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ, ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଥମେ ଯୋଗଫଳ ଦେଖିବ, ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଉଛି, 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 0 ସମାନ କେତେ ହେଉଛି, 3। ତିନିଟା 9 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତିନିଟା ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ 9 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କେତେ, ତାପରେ 10, ତାହେଲେ ଜାଣିଛେ 10 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ନା ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ ଶୂନ ଥିବା ଦରକାର, ଏଠି ଶୂନ ଅଛି, ତା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ 10 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ, ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରଣ କର 120କୁ 10ରେ, ଜାଣିଛ ପ୍ରଥମେ 10 କେ 10 କେତେ ଆସିଲା, 2, ତାହେଲେ ଏଠି ଶୂନ ଆସିଲା, କେତେ ହେଲା 20। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 10 ଦୁଗୁଣେ କେତେ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ହେଲା 20, କେତେ ହେଲା ଶୂନ ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ 10 ଗୁଣନ କେତେ ଆସିଗଲା, 12। ଓକେ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଯଦି ଆମେ 11କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, 11କୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ କ'ଣ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ 120କୁ 11 ହରିବା, ଦେଖ 120କୁ ଯଦି ଆମେ 11 ହରୁଛେ କେତେ ହେଉଛି, 11 କେ 11, ଏଠି ଆସିକି 2 ରେ କଲେ କେତେ ହେଲା, 10 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଆସିବ, 2 ତ ଡିଭିଜିବଲ୍ କରିହେବନି, ତା'ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 11 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ 11 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ୍ ହେଲାନି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାହେଲେ ତମେ ପାଇଗଲ ସବୁ ଡିଭିଜିବଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ଆମର ଗୁଣନୟକର ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ା କେତେ ହେଉଛି, ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା କେତେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦିଅ। ତାହେଲେ ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା କେତେ, ଏଇ ହେଉଛି ସମୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେଉଁଟା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତକ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ତୁମର ରହିଲା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆର ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଗୁଣନୟ ଗୁରା ହେଲା ତୁମର କେତେ, ଗୋଟେ ହେଲା 1, 2, 3, ତାପରେ 4, 5, 6, 8, 10, ତାପରେ ଲେଖିବ 12, 15, 20, 24, 30, 40, 120। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ବୁଝିପାରିଲ।